आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मटन की रेसिपी। चंपारण मटन का ना ये छोटा भाई आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 kg मटन के लिए मैंने सबसे पहले मसाले बता दिए हैं, जो हीरो ऑफ द रेसिपी है। मतलब सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स आपके ये मसाले हैं। तो मसालों को मैंने 1.5 kg के हिसाब से लिया है और इसे हल्का सा रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें थोड़ा सा कच्चापन हो ना वो हट जाए और जो मसाले हैं उनमें एक अच्छा फ्रेग्रेंस आने लगे। ठंडा करें और इस मसाले को पीस लें। चाहें तो आप भिगा के तब पीस सकते हैं या फिर पहले सूखा पाउडर बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 kg के लगभग मटन और यहाँ पे मैंने 2 बैच में प्याज डाला है। तो 250 ग्राम प्याज तो मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है। रफली चॉप करना है। 2 टीस्पून आपको लेना है अदरक लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लेना है आपको किचन किंग मसाला या चिकन मसाला भी ले लें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। बेसिकली इसे आपको मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। आप मटन को अच्छे से मिक्स करें और इसे थोड़ा सा रेस्ट करने दें। चाहे तो आधा चम्मच के लगभग नमक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 1/4 कप तेल, 3 से 4 तेज़पत्ता, जब तेल गर्म हो जाए 2 से 3 हरी मिर्च, चाहे तो लाल मिर्च ऐड कर लें और फिर से 250 ग्राम के लगभग प्याज। तो 1.5 kg मटन में मैंने लिया है 1/2 kg प्याज और नमक साथ ही साथ डाल दिया है। अब अगर आप मैरिनेट करते समय भी नमक डाल रहे हैं तो यहाँ पे नमक का थोड़ा सा ध्यान रखें और जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू होगा ना तभी हम यहाँ पे मटन डाल देंगे। अगर आप चिकन और मटन का कंपैरिजन करें ना तो मटन पकने में टाइम तो लगता है लेकिन ये बहुत ही रफली बन जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना होता है, बस जब मसाले भुनने लगते हैं ना तब आपको थोड़ा सा इसको लगातार चलाते हुए भुनना होता है। अभी मैंने इसे ढक दिया और ये देखिए जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से पीस लिया है। अगर आपके पास सिलबट्टा हो ना तो आप डायरेक्ट उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी मसालों को पीस सकते हैं, जैसे पुराने टाइम में पीसते थे ना। अभी यहाँ पे देखिए जो मटन है ये चेक करते हैं, देखिए वाटर रिलीज होने लगा है। फ्लेम आपका बिल्कुल हाई पे ही रहेगा क्योंकि जब तक ये वाटर रिलीज अच्छे से नहीं होगा और प्याज अच्छे से नहीं गल जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा प्याज, तभी हम इसके फर्दर प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। अभी आपको इसे ढक के चलाते हुए पका लेना है ताकि जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जो मसाले हैं इसको हमने भिगा दिया है और अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 से 2.5 चम्मच के लगभग मीट मसाला। हो तो कोई भी ब्रांड का हो तो आप यहाँ पे वो ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब चलिए फिर से करते हैं प्याज को चेक। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट हो गया है। जो भी मसाले हमें ऐड करने हैं वो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप मसाले डालें और आप देखिए क्वांटिटी जो होगी ना, जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला और इसे अब हमें भून लेना है। तो इसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि मैंने कुकर में बनाया है, तो यहाँ पे सीटी लगा दें। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप ऐसे ही ढक के पकाएं जब तक ये टेंडर ना हो जाए। तो देखिए मसाले हल्के हल्के सूखने लगे हैं। अब हमें इसे तब तक ये भुनना है जब तक ये थोड़ा सा ऑयल इसमें दिखने ना लगे। तो चलिए अब वेट करते हैं थोड़ी देर का और ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से दिखना शुरू हो गया है और बिल्कुल ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मटन होता है ना तो उसमें फैट होता है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक बनता है। तो जब भी आप ग्रेवी ऐड करें तो आप ध्यान दें कि जब ये ठंडा होगा ना तो ये और थिक होता है, क्योंकि प्याज की वजह से और जो मटन का फैट होता है ये इसके ग्रेवी को ज़्यादा थिक बनाता है। तो ग्रेवी जब ऐड करें तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अभी देखिए इसको चलाते हुए हमें इसे थोड़ी देर के लिए मैंने पका लिया है और जो मटन है ना ये 60% के लगभग कुक हो गए हैं, लेकिन मैंने इसमें आगे सीटी लगाई थी 2 से 3। तो 2 सीटी मैंने हाई फ्लेम पे लगाई थी और फिर मैंने 2 से 3 सीटी लगाई थी मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से लो फ्लेम पे। तो ये डिपेंड करता है ना कि जो मटन की क्वालिटी है वो कैसी है। अगर फ्रेश होगी तो बहुत जल्दी पक जाती है, तो 1 से 2 सीटी में ही वो आराम से टेंडर हो जाती है। तो देखिए अभी ऑयल बहुत बढ़िया सा इसमें दिखना शुरू हो गया है, बिल्कुल अच्छा भुन गया है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत बढ़िया आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी, लेकिन ध्यान दें पानी जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना वो बिल्कुल अच्छा बॉयल पानी ऐड किया, मतलब गुनगुना पानी ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे ग्रेवी लगा दी है। तो मैंने यहाँ पे टोटल डाला है 2 कप के लगभग पानी, क्योंकि मैंने बताया कि जो मटन है ना उसमें फैट होता है तो ये बहुत ज़्यादा बाद में गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए सीटी ठंडी हो गई और आप इसका कलर देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है। तो 1/4 कप में आप देखते होंगे इसमें कितना रोगन दिख रहा है। तो अभी ये इसको हम ठंडा होने देंगे और ये बाद में ना बहुत ज़्यादा अच्छा गाढ़ा हो जाएगा।
गार्निश कर दें धनिया के साथ, और इसको तुरंत ही ना सर्व करें, 10 से 15 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें अगर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है तो। तो चलिए मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल बनके तैयार है, थोड़ा लाइट इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, लेकिन अब हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लगता है, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, नमस्ते।